दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम टॉपिक देखने वाले हैं फीफो मेथड्स। फीफो दैट इज मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये बेसिकली आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में और ये साथ ही साथ आपके FI बीकॉम और जितने भी आपके सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है उसमें भी होते हैं ये फीफो मेथड्स। तो फीफो मेथड बेसिकली होता क्या है क्लास, ये समझेंगे और उसके बाद इसके प्रैक्टिकल सम पे आएंगे। तो समझेंगे एकदम डीप में कि फीफो मेथड कैसे सॉल्व किया जा सकता है और मास को कैसे ग्रैप किया जा सकता है। तो फीफो मेथड दैट इज मीन कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका फुल फॉर्म होता है। फर्स्ट इन मतलब जो भी आपके रॉ मटेरियल्स होंगे, जैसे एज अ मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, जो आपके पास रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होगा, यानी कि जो फर्स्ट इन होगा उसको क्या करूंगा मैं, पहले प्रोग्रेस करूंगा, WIP लगाऊंगा, देन उसको मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। तो दैट इज जो फर्स्ट रॉ मटेरियल मेरे पास आएगा फिर मैं उस पर वर्कआउट करूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट जो आएगा उसके बाद फिर सेकेंड आएगा, रॉ मटेरियल्स या कुछ भी आएगा तो उस पर सेकेंड टाइम, यानी कि जो फर्स्ट आया उसको फर्स्ट, जो सेकंड आएगा उसका सेकंड, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा, पूरा प्रोसेस होगा। तो दैट इज मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एज अ ओपनिंग स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, 100 क्वांटिटी, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें सेल कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, ऐसा दो कंडीशन है मेरे पास। ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास, मैं क्या किया फिर नेक्स्ट डे पे मैंने इसको सेल कर दिया। सेल कितना किया, 50, तो 100 में से 50 सेल कर दिया, दैट इज मेरे पास कितना बचा, 50। अब जो 50 बचा हुआ है मेरे पास मैं उसको कैरी करूंगा, तो नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे पे मैंने इसको परचेस कर लिया, कितना, 40। तो मैंने, मेरे पास पहले ओपनिंग कितना होगा 50 और मैंने परचेस किया, दैट इज मीन 40, तो दोनों का रेट अलग होगा। जब मैं सेल्स करूंगा क्लास और परचेस करूंगा तो दैट टाइम आपको रेट पे ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज हम क्या करते हैं कि जो भी हमें क्वेश्चन में रेट दिया होता है उसे सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर दे देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रॉन्ग हो जाती है। और सेकेंड थिंग, इस पे हम जैसे कि सेल्स करते समय आपको सेल्स का अमाउंट नहीं लेना है। सेल्स का अमाउंट क्यों नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आपका जो भी रॉ मटेरियल्स का अमाउंट होगा या जितने में आपने परचेस किया उतने में आप सेल करोगे। और इसमें सेकेंड टाइप हम देखेंगे वेटेज एवरेज मेथड, ठीक है। वेटेज एवरेज मेथड दैट इज मीन सबका हम टोटल करके एवरेज निकालेंगे एंड देन हम बताएंगे इसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा या क्लोजिंग स्टॉक कितना रिमेनिंग बचेगा, ये हम बताएंगे फीफो मेथड्स में। तो देखते हैं फीफो मेथड, ओके, देन स्टार्ट करते हैं मीनिंग, ठीक है, मीनिंग ऑफ फीफो मेथड्स को समझ लेते हैं। मीनिंग क्या होता है, इन सिंपल एंड शॉर्ट क्लास, फीफो मेथड दैट इज मी फर्स्ट इन, दैट इज मी मटेरियल्स फर्स्ट वन आएगा, देन उसको हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक्स या तो उसको सेल कर देंगे, ठीक है। दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मटेरियल आया और मटेरियल गया, ठीक है, जो मटेरियल पहले आएगा उसको हम सेंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, फीफो मेथड्स। तो फीफो मेथड्स क्या, इवैल्यूएशन देखते हैं क्लास। बेसिकली इवैल्यूएशन क्या, क्यों हम फीफो मेथड करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है कंपनी को। तो फर्स्ट पॉइंट है क्लास, रिकवर परचेस कॉस्ट। फर्स्ट वन क्या है, रिकवर परचेस कॉस्ट, दैट इज मीन क्लास रिकवर, जैसे कि हमने रॉ मटेरियल क्या किया, परचेस किया हुआ है, तो उस जो हमने परचेस किया रॉ मटेरियल, तो उसका अमाउंट कितना था, उसका कॉस्ट कितना था, उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, फीफो मेथड यूज करते हैं। दैट इज मीन जैसे कि ये मार्कर मेरे पास है, ऐसे मार्कर मेरे पास 10 होंगे, 1000 होंगे, ठीक है, तो उस क्वांटिटी के बेस पे, तो जो फर्स्ट वन ऐसे टाइप के, जैसे कि ये अलग अलग कंपनी के मार्कर्स होते हैं या अलग अलग मटेरियल्स हो गए, तो जो मटेरियल मेरे पास पहले आएगा मैं उसको पहले क्या करूँगा, सेंड कर दूंगा। दैट इज मैं उसको मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक में नहीं बचा के रखूंगा, अगर मैं बचा के रखूंगा तो दैट इज मेरा क्या हो जाएगा, ये लॉस होगा या तो एक्सपेंस होगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू मेरा या मटेरियल मेरा क्या स्टॉक में है, तो उसका कोई यूज नहीं हो जाएगा, अनयूज हो जाएगा। तो फीफो मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं अपने परचेस कॉस्ट को, यानी क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी वैल्यू रहेगी उसको हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे, ठीक है, और उस सेल से हमारा जो भी स्टॉक का वैल्यू होगा वो क्या बन जाएगा, नील। तो दैट इज मीन मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने परचेस कॉस्ट को पूरा रिकवर कर लिया। सेकेंड पॉइंट आते हैं क्लास, सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे, इग्नोर मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को कैसे इग्नोर करना, बिकॉज ये फीफो मेथड्स है तो फीफो मेथड्स अपने मेथड्स के अकॉर्डिंग चलता है और करंट मार्केट प्राइस जो भी होता है उस पर आपको ध्यान नहीं होता, दैट इज देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑन द करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट वन है रेट वेरिएशन। ऑब्वियसली फीफो मेथड्स में क्या होता है, आपका रेट वेरिएशन होता है, रेट चेंजेस होता है, क्यों होता है, बिकॉज ये डिपेंडेड है आपके फीफो मेथड्स में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, जितने में आपने परचेस किया उतने में आप सेल कर दोगे, ठीक है, और जितना आपके पास रिमेनिंग है उसको पहले सेल करोगे, यानी कि हर एक का क्या होगा, वैल्यू अलग होगा। दैट इज मीन ये लेटेस्ट परचेस पे होता है या लेटेस्ट सेल्स पे होता है, जितनी भी आपकी वैल्यू रिमेनिंग होगी उस पे बेस पे आपका क्या, रॉ मटेरियल्स, कोई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्जांपल, कोई रॉ मटेरियल्स मैंने क्या किया हुआ है,
कि 100 रुपए में परचेस किया, कोई मैंने 120 रुपए में परचेस किया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, एक 100 का एक 120 का है। जो 100 में खरीदा मैंने उसको 100 में सेल भी कर दूंगा, जो 120 में खरीदा मैंने 120 में सेल कर दूंगा, दैट इज मी यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएशन इन अ रेट। ओके, नेक्स्ट वन स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन दैट इज मीन क्लास, ये आपका डिपेंडेड है लेटेस्ट परचेस प्राइस, लेटेस्ट परचेस प्राइस, जैसे कि मैंने 100 किया था और 120 का परचेस किया था, तो मेरे लिए लेटेस्ट क्या बनेगा, 120। तो ये 120 क्या हो गया, मेरा लेटेस्ट स्टॉक वैल्यूएशन, यानी कि अब मेरे स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, 120। और पहले अगर ओपनिंग या मेरे पास कोई भी स्टॉक रिमेनिंग है तो दोनों को प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, जितना भी अमाउंट मेरे पास रहेगा वो मिल जाएगा मेरे लिए लेटेस्ट। नेक्स्ट वन चलते क्लास पांचवे पॉइंट पे, प्रॉफिट एंड चेंजिंग प्राइस। ठीक है, फीफो मेथड्स में आपको इतना सिंपल से याद रखना है कि प्रॉफिट एंड चेंजिंग प्राइस कैसे होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हमारा क्या होता है कि थिंकिंग होता है कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, दैट टाइम क्या होता है कि कंपनी का प्रॉफिट कम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट कम हो जाता है, बिकॉज सेल्स नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग क्यों, बिकॉज यहाँ पे इन्फ्लेशन है, महंगाई है। बट फीफो मेथड्स में क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन हुआ तो प्रॉफिट ज़्यादा, और डिप्रेशन हुआ तो प्रॉफिट कम। ठीक है, तो ये है आपका फीफो मेथड्स। अब आते हैं क्लास वेटेज एवरेज मेथड्स। ठीक है, वेटेज एवरेज मेथड क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटेज एवरेज का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेटेज एवरेज जो सम सॉल्व करते समय यूजफुल होगा। तो यहाँ पे वेटेज एवरेज का फॉर्मूला है टोटल परचेस वैल्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, टोटल परचेस वैल्यू मतलब मैंने कितना परचेस किया हुआ है उसको मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा, और कितना क्वांटिटी मैंने परचेस किया है उसे मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेटेज एवरेज। बिकॉज यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एवरेज की, तो एवरेज बेसिकली हमें निकालने आता है टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ दी, जो भी होता है आपकी क्वांटिटी हो गया, ईयर्स हो गया, ठीक है, उसके बेस पे हम डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया आपका वेटेज एवरेज। लेकिन वेटेज एवरेज को भी समझा जा सकता है क्लास कैसे होता है, वेटेज एवरेज मतलब कि हमारे पास जितना भी मटेरियल या कितने अमाउंट में हमने परचेस किया सबका टोटल करके उसको डिवाइड करना, ये होता है आपका वेटेज एवरेज। वेटेज एवरेज में भी ये वैल्यूएशन के सेम पॉइंट है, पांच ही पॉइंट है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फीफो मेथड्स में कि रिकवर परचेस कॉस्ट होता है, दैट इज में वहां पे जो भी स्टॉक होती है या जो वैल्यू होता है वो पूरा नील हो जाता है, मतलब वहां पे मैंने परचेस पूरा अपना रिकवर कर लिया कॉस्ट। सेम आपका वेटेज में भी होता है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, नील, मतलब दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है, फीफो में भी और वेटेज एवरेज में, इन रिकवर ऑफ परचेस कॉस्ट। सेकेंड आते हैं इग्नोर मार्केट प्राइस। इग्नोर मार्केट प्राइस कैसे होगा, अभी यहाँ पे फीफो में देखा था वहां पे करंट पे कोई भी आपका ये रिफ्लेक्ट नहीं होता, लेकिन वेटेज एवरेज इसका अपोजिट है। यहाँ पे अब वेटेज एवरेज में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा मार्केट प्राइस पे, बिकॉज यहाँ पे हम एवरेज निकाल दें, जितना भी आपका एवरेज वैल्यू होगा उस पर हम सेल करेंगे, दैट इज ये रिफ्लेक्शन है करंट मार्केट प्राइस पे। नेक्स्ट वन रेट वेरिएशन। ऑब्वियसली यहाँ पे भी रेट वेरिएशन होता है, फ्लैक्चुएट होता है, बिकॉज यहाँ पे जो रेट होता है वो एवरेज के बेस पे होता है, और यहाँ पे परचेस पे डिपेंड करता है आप कितने में परचेस किया हुआ है, कितनी क्वांटिटी परचेस किए हुए, जैसे कि 100 हो गया फीफो में, 120 हो गया फीफो में, यहाँ पे चेंज हो गया। लेकिन वेटेज में क्या होगा आपका, कि यहाँ पे आपको टोटल एवरेज निकालना है, फिर देन सेल करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन क्या होता है, ये लेटेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एवरेज पे ही होगा, बिकॉज यहाँ पे हम बात करें मोस्ट ऑफ दी वेटेज एवरेज, मतलब कि अब यहाँ पे वेटेज एवरेज के बेस पे ही आपका क्या होगा, स्टॉक वैल्यूएशन बनेगा। प्रॉफिट एंड चेंजिंग प्रॉफिट जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमने देखा था इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, तो इन्फ्लेशन में क्या होता है प्रॉफिट हाई हो जाता है, और डिप्रेशन में क्या होता है प्रॉफिट लो हो जाता है। लेकिन ये जो फीफो वेटेज एवरेज मेथड्स है, यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है वो डिपेंडेंट है, फ्लक्चुएट होते रहता है ये मार्केट के बेस पे, बिकॉज यहाँ पे प्राइस आपका हाई हो सकता है, लो हो सकता है, ये डिपेंडेंट करता है आपका मार्केट। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा मीनिंग समझा होगा फीफो और वेटेज एवरेज का। देन इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा क्लास, वो होगा मेरे सम पे। देखिए, आपको फीफो मेथड और वेटेज एवरेज दोनों का मैं समझाऊंगा आपको प्रैक्टिकली कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, और ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।